कुमार शिवराम राम गो तो मैं जल्दी आई एम गोइंग टू गेट टू द टॉपिक ये प्रोसेस सिखाना बड़ी इट्स इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू टीच इट टीच द प्रोसेस बट इट्स इजी टू डू करना आसान है लेकिन थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात कर कर के करके कर 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 करके -कर कर -कर कर -कर मेरे आंख नाक मुंह से सब जगह से प्रोसेस निकल रहा है अभी ओके okay. <laughs> और इतना मीटिंग किया कि किस मीटिंग में क्या बोला याद नहीं रहता है कल हैदराबाद में था सेम टाइम यही बिजनेस में होता है इसे मैं तीन चार दिन पहले वड़ोदरा में था प्लेन में बैठा था पास में एक पटेल भाई बैठे थे अच्छा बात बात किया सुपारी ऑफर किया मैंने सुपारी खा लिया फिर मालूम पड़ा कि ये बैंड है एनी anyway। उसके बाद उसके बाद जब उतरे तो इतने लोग उधर थे ये गाड़ी से भाग के आके मेरे को बोला कि मुझे पता नहीं था आप इतने फेमस है आप बोले क्यों नहीं मैं बोला कैसे बोलूँगा यार एक्सक्यूज मी पटेल भाई मैं फेमस हूँ <laughs> वैसे ही कल भी हुआ हैदराबाद जा रहा था आराम से अपना बिजनेस माइंड कर रहा था बाहर गए थे इतने लोग से वेरी डिफरेंट बिजनेस एनीवे तो आई वांट टू गेट टू द पॉइंट बिकॉज नॉर्मली मैं मैकेनिक्स का टॉक ज़्यादा करता नहीं हूँ बिकॉज मैं खुद बीच में बोर हो जाता हूँ मैकेनिक्स से ये बिजनेस तो मैकेनिक्स के बारे में है ही नहीं क्या okay? है और ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट लेकिन प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन की तरह राइट right? अभी आप, आप लोग में से कितने लोग का फैमिली लाइफ अच्छा है मतलब वाइफ के साथ थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता है लेकिन ठीक है राइट ओके एवरीथिंग गुड ओके अगर आपने मैं पूछूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका फैमिली लाइफ अच्छा है what is the reason what is so special kya bologe aap ha wife loves me that's what you think uh, understanding Huh? Huh? <laughs> understanding is good okay <laughs> happiness always positive huh? always <laughs> positive ha take care take care okay you always take care okay वैल्यू सिस्टम वगैरह वगैरह राइट रिलेशनशिप इज स्ट्रांग ओके अभी आपने किसी ने यह नहीं बोला कि हमारा फैमिली इसलिए स्ट्रांग है कि वी हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बगैर तो फैमिली नहीं हो सकता राइट right? कुछ नहीं हो सकता लेकिन आपने तो ऑक्सीजन क्यों नहीं बोला बिकॉज दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड राइट प्रोडक्ट्स आर लाइक दैट प्रोडक्ट्स आर इन द बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट देर इज नो बिजनेस इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड लेकिन प्रोडक्ट्स के कारण लॉन्ग टर्म बिजनेस कोई बिल्ड नहीं करता ये तो अंशु बुद्राजा ने दुबई में भी बताया था अचीवर्स के ओपनिंग स्टेटमेंट में लोग शायद आते हैं प्रोडक्ट्स के लिए लेकिन रहते हैं और किसी चीज़ के लिए राइट right? रिलेशनशिप्स तो इसमें आप लोग कितने लोग यहाँ पे बिजनेस में लच से छः महीने से ज़्यादा हैं छः महीने से ज़्यादा है ऑल ऑफ यू शुड बी राइट ओके सब कोर लोग यहाँ पर सो so आप आपको क्या क्या मिला है इस बिज़नेस में बिसाइड्स प्रोडक्ट्स एंड पी एंड बी और क्या क्या मिला है आपको यहां इस ब्रिट वर्ल्ड वर्ल्ड में होने के कारण फ्रेंड्स वैल्यूज हां वैल्यूज मेंटरशिप पर्सनल ग्रोथ सेल्फ इमेज हां रिकोगशन और पॉजिटिविटी रिलेशनशिप ओके नहीं ये है हम इतने वैल्यू देते हैं पावर ऑफ अ नेटवर्क राइट वेरी पावरफुल नेटवर्क सेल्फ ग्रोथ पर्सनल डेवलपमेंट एनवायरमेंट टू ग्रो राइट मेंटरशिप सब देते हैं लेकिन ट्रेडिशनली जब नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में साइनअप करते हैं तो क्या वो सब समझाते हैं लोगों को हम कि ये सब मिलने वाला है उनको नहीं समझाते ना सीधे प्लान में चले जाते हैं और प्रोडक्ट में चले जाते हैं करेक्ट उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ है आपको यस yes? So, क्या है कि हमारा वैल्यूबल बहुत मेंटरशिप सो मैनी इंटेंजिबल जैसे कहते हैं हमारे बिजनेस में है लेकिन वी आर वेरी वी इन द पास्ट वी हैव बीन वेरी पुअर एट मार्केटिंग इट हम लोग ने जो काम किया अभी तक तो किया वे मैं फाउंडर्स डबल डायमंड इसी सिस्टम में गया कांती इज वन मैसिव बिजनेस कांती तो इंस्टीटिन्यूस क्राउंड हो जाएंगे नए एफ प्रोग्राम के साथ बट ही डेड इट दे ओल्ड वे कि वी ऑल डेर इज द ट्रेडिशनल वे भाई ये अभी इन्फॉर्मेशन एज है थिंग्स आर चेंजिंग सबके पास गूगल है तो मोह खोलने से पहले गूगल करते हैं तो इसके लिए हमको जो स्ट्रेटेजी बदलना है ओके लेकिन हम ये चीज हैं हम ट्रेडिशनली क्या करते हैं किसी को स्पॉन्सर करते हैं और समझते हैं कि अगर वो जीरो पी भी करेगा तो चलेगा उसके थ्रू और कोई मिल जाएगा राइट उसके थ्रू और कोई मिल जाएगा तो थ्रू 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 करके बहुत सारे जीरोस हमने इकट्ठे किए हैं ओके और और जीरो से कोई हीरो मिल जाएगा सोच सोच के सोच सोच के कोई ना कोई तो आएगा हम तो चांस पे छोड़ देते थे ना कि अगर ये फंक्शन को आएगा तो शायद ये होगा कोई बुरी बात नहीं है ऐसे ही बिजनेस बिल्ड किया गया लेकिन अभी टाइम आ गया है कि अगर लोग थोड़ा शाना बन रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सिखाना है क्या है यू नो वी ऑल वी ऑल है सब सोचते हैं कि सबको सब, सब मालूम है क्योंकि एक इंटरनेट में क्या गूगल कर दिया और एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि देर इज टू मच नॉइस बहुत कंफ्यूजन है ज्यादातर लोग जिससे हम बात करते हैं वो कौन से कैटेगरी में होते हैं एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर ज्यादातर लोग यही में होता है ना सारा कंफ्यूजन किधर है लाइफ में कौन से कैटेगरी में कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा कौन सा इंकॉर्डेंट में लोग बहुत मंडे को जाते हैं किसी के साथ साधा सारा दिन स्पेंड करने को जिसके साथ वो रहना नहीं चाहते है? कौन सा क्वारेंट है वो कौन सा क्वारेंट है जिसमें और कोई डिसाइड करता है कि आप कितना बनाओगे कहाँ रहोगे कैसी गाड़ी चलाओगे या कौन सा क्वाड्रेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता है ओ मैं मैं मेरा एज के कारण किसी के और को प्रमोशन मिल गया गलती तुम्हारा बॉस का नहीं है गलती तुम्हारा क्वाड्रेंट का है तुम ई e में बैठे हो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में बैठे हो वहीं तो होता है डिस्क्रिमिनेशन वो बोलते तो मैं वो थोड़ा मोटा हो गया इसलिए मेरे को वो लोग देखते नहीं अभी और किसी को प्रमोशन दे दिया अरे खुद का बिजनेस में रहोगे तो मोटा हो क्या हो फर्क़ नहीं पड़ता हेलो समझे ना क्या बोल रहा हूँ ये क्वारडन का प्रॉब्लम है ओ मेरा रिलीजन ये है इसलिए मेरे को ये नहीं मिला आप गलत जगह पे हैं ना बॉस यू आर यूर द रॉन्ग एड्रेस बिकॉज यू आर यूर समी एल ड्रीम बॉक्स राइट ज्यादातर लोग उधर ही है एंड उधर सो वी दिस होल द प्रोसेस जो है ना ये वो एम्प्लॉय वालों को समझाने के लिए है कि बॉस देर इज अ तरीका एक 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 माइंडसेट चाहिए बिजनेस के लिए ओके okay? अभी uh, एम्प्लॉ uh, क्वार के लोग ही अभी समझो कोई खिचड़ी खाता है आज आज पहली बार खिचड़ी खाया तो फोटो लगाता है ना फेसबुक में कौन सा क्वारेंट में है आदमी ई एस वाला जो खिचड़ी बेच रहा है उसके पास टाइम नहीं है उसका रेस्टोरेंट है खुद को खा खुद खाने को टाइम नहीं मिलता है मार्क जकबर्ग बी बिजनेस में है जिसने पूरा फेसबुक बनाया लेकिन जब वो खिचड़ी खाता है वो फोटो नहीं लगाता है कुछ सारा कंफ्यूजन किधर है कौन YouTube देखता है अभी YouTube का क्या है कि एक वीडियो प्ले करो तो दूसरा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है क्योंकि लोगों को ऐसा लोगों को मालूम नहीं है कि ई क्वार में इतना रोबोटिक बोलते हैं ना लोग उनको पता नहीं कि पॉज बटन बता दबा के बाथरूम जाके वापस आके देख सकते हैं और <laughs> YouTube में एक वीडियो लग रहा है तो दूसरा शुरू हो गया ई क्वार वाले को ये भी मालूम नहीं है कि बाथरूम जाके हाथ धोके आ सकता है फिर प्रेस कर सकता है प्लेयर। देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन आपका पॉलिटिशियन के पीछे पड़े हैं? E. तो यही है ई e में कंफ्यूजन है और ई e में ये भी है कि वर्स्ट थिंग अबाउट ई इस एक दूसरे से सलाह लेते हैं कॉरन में लोग एक दूसरे को पूछते हैं क्या करना चाहिए फ्यूचर के बारे में ज़्यादातर लोग वैकेशन के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अभी आपको पहली बार दुबई जाना है तो आप सबसे पूछेंगे आपके अपलाइन अगर आप अचीवर्स गए हैं ना तो उनको आप पूछेंगे कि क्या क्या करना है दुबई में ये ये रिसर्च करोगे आप फिर यात्रा डॉट कॉम ऑर्बिट्स डॉट कॉम कहीं भी जाके आप पूछोगे बेस्ट रेट्स क्या है बेस्ट होटल क्या है लेकिन फ्यूचर के बारे में आप किसी आप अगर आपको दुबई जाना है तो उससे थोड़ी ना बात करेंगे जो अभी तक यू नो धारावी के आगे नहीं निकला लेकिन फ्यूचर के बारे में किसको भी पूछने का नेक्स्ट क्यूबिकल में बैठा है उसको पूछने का एम्प्लॉज सेम लेवल में बैठा है उसको पूछने का uh, तुम्हारी राय क्या है अरे इसका राय है ही नहीं लाइफ में क्या राय लाला रजपत राय so, इस 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 कारण के लिए हम लोग ने प्रोसेस शुरू किया लोगों को एजुकेट करें सो आई टू गेट टू द नो द पर्पस ऑफ द प्रोसेस ये जो सात स्टेप का प्रोसेस है ये इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अभी ये आधार कार्ड और पैन कार्ड का बिजनेस नहीं है तुम्हारे पास आधार कार्ड है पैन कार्ड है और अगर सांस ले सकते हो मैं आपको साइनअप करूंगा <laughs> ऐसा है ही नहीं मेरे लिए कभी ऐसा था ही नहीं ओके इसीलिए शायद थोड़ा रफ्तार से बड़ा मैं मेरे बिजनेस में मेरे पिन लेवल्स में बिकॉज मेरे को ये नया प्रोसेस में, में बहुत मैंने बहुत रेजिस्ट किया क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था हम चेंज क्या कर रहे हैं ओके मैंने तो कभी किसी को ऐसा फटाफट स्पॉन्सर नहीं किया है अगर कोई सी लिस्ट में है तो उसको समझ के बी लिस्ट में लाने के बाद ही मैंने कभी उनको प्लान दिखाया अभी तक सो uh, so, लेकिन ये सेवन स्टेप्स इसलिए है देर आर सम रीजन फॉर इट मैं पर्पज बताता हूँ फिर स्टेप्स बताता हूँ ओके आई वॉन्ट स्टे ऑन फोकस ओके मेरे लिए थोड़ा वो फोकस इज डिफिकल्ट इसलिए मैं ये बिजनेस में आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं हूँ ओके okay? So, help me stay in focus, okay? So, um, purpose of the process, first, is to build a relationship and trust with your candidate. Prospect ko candidate bolte hain process Because people understand that language in the E quadrant. Okay? So, first is to build a relationship and trust. So, isme we are talking about giving an offer. yes appointment letter Making an offer. That is the final step. फ वैन वेन वी डू इट अगर हम स्टॉक ऑफर देने वाले हैं ऑफर करने से पहले हम उनके साथ छह बार मिलते हैं उसमें तो रिलेशनशिप बढ़ेगा ना यस yes? उसके बाद तो शायद आपको आप, आप उनको अपने कई रिश्तेदारों से अच्छा जानोगे कई लोगों को आपने बहुत साल से नहीं मिला राइट ओके तो फर्स्ट इज रिलेशनशिप में ट्रस्ट सेकेंड इज प्रिपेयरिंग दैम फॉर पार्टनरशिप उनको यह समझाना है कि पार्टनरशिप के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए माइंडसेट उनको सिखाना है कि ये सिर्फ रिक्रूटिंग एंड सेलिंग का बिजनेस नहीं है ये एसेट बिल्डिंग का बिजनेस है वो समझाना है राइट थर्ड इज टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन उनको पहले से ये बताना है कि ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए कितना टाइम लगेगा कितना पैसा लगेगा ओपनली हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है पहले से ही बताना है फोर्थ जो भी उनका रेड फ्लैग्स है ना मतलब अगर कुछ वो बोलते हैं पहले हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे अगर वो बोलते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं बीच में कहीं तो हम बोलते थे नहीं 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 बच्चों बच्चों का हमारे पास रखो हम पाल पोस लेंगे आप डायमंड जाओ <laughs> अभी हम वो वो हमसे बोलने से पहले हम उनको पूछते हैं कि आपके बच्चे हैं आपका जॉब है आप बताओ ये बिजनेस को आप फिट कैसे करोगे अगर मैं आपको हम आपको मीटिंग में बुलाओगे बुलाएंगे उसमें बच्चे अलाउड नहीं है आप बच्चों का अरेंजमेंट कैसे करोगे तो एक्चुअली उल्टा बन जाता है स्टार्ट वो जस्टिफाई वो करने लगते हैं वो अपना केस बनाते हैं नहीं 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 हम देख लेंगे कि मेरा अंकल मेरे है मेरे मम्मी डैडी हैं, यू नो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है इसमें यू आर इन कंट्रोल पॉस्चर का फिफ्थ पर्पज इस प्रोसेस का दैट यू आर इन कंट्रोल ओके इसमें ये नहीं है कि उनको हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं या उनके साथ एरोगेंट है बट वी आर वेरी जेंटली टेकिंग केयर ऑफ दम बट टलिंग दम द राइट स्टेप्स ओके दैट इज द पर्पज ठीक है गुड अभी स्टेप्स क्या है पहला नंबर स्टेप ये है कि यू हैव टू एक्सरसाइज योर कॉमन सेंस ओके इसमें आपको बहुत ज्यादा सिस्टम में इमर्स होना पड़ेगा ओके okay? अभी ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम ओके यू आर ऑल हैव टू बी नहीं तो इस रूम में आप आ भी नहीं सकते अनलेस यू आर जस्ट सीन बी पी वन ओके सो सबको सिस्टम सी वाई हम सिस्टम में क्या हम किसी को बोल सकते हैं कि साइनअप करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा बेट बोल नहीं बोल सकते हैं दैट इज नॉट लीगल यू कैंट से दैट बट ये मैं बोल सकता हूं उनको कि बॉस अगर सिस्टम नहीं है आपको समझना चाहिए कि सिस्टम का पावर क्या है अगर सिस्टम नहीं है तो आपको कितना पैसा लगेगा ये बिजनेस बिल्ड करने को सोचा है कभी आपने मतलब अगर चेंबूर में भी रहते हो और आपका ग्रुप आपका भाई बोरीवली में रहता है आप एक्साइटेड हो गया उसको स्पॉन्सर करना है अगर सिस्टम नहीं है बोरीवली में ओपन नहीं है तो आपको चेंबूर से बोरीवली जाने में कितना खर्चा लगेगा पहली बार तो गाड़ी में जाना पड़ेगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेके पेट्रोल तीन सौ रुपया पर वे ईच वे छ सौ गया ओके और उसको अगर बिजनेस में रखना है भाई और उसके ग्रुप को उसकी बीवी को एवरीथिंग आपको हफ्ते में दो बार जाना पड़ेगा पहले वीकडे में भी जाना पड़ेगा और जाते ही रहना पड़ेगा क्यों उधर ओपन मीटिंग नहीं है अगर आपका स्ट्रीमिंग नहीं है तो अगर भाई के ग्रुप में कोई डॉक्टर आ जाता है तो उसको आप डॉक्टर राम और उषा का स्टॉक दे ही नहीं सकते क्योंकि वो सिस्टम नहीं है सोच के देखो मतलब आपको ही डॉक्टर बनना पड़ेगा वो दशावतार की तरह अलग अलग भेस में आने, मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं किस किस को रिलेट करोगे आप राइट सो दिस सिस्टम इज नेसेसरी बिकॉज मेरे को अगर किसी को मदद करना है तो अगर वो मेरी वही चीजें नहीं सुन रहे जो मैं सुन रहा हूं जो एसोसिएशन में ही है तो मैं तो उनको हेल्प नहीं कर सकता ना बस हेलो सो माइंड सेट इज लाइक दैट सो so, हमको सेल आउट करना है हमको सिस्टम में इमर्स करना है एक किताब है जो आपको दस बार पढ़ना है उसका टाइटल क्या है टाइटल क्या है बिजनेस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी रॉबर्ट की मुझे पता है कॉपी नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज वर्किंग ऑन दैट बट यू हैव टू रीड दैट बुक टेन टाइम्स इनफैक्ट यू हैव टू रीड एवरी बुक प्रॉपरली मुझे पता है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट रीडिंग बुक्स प्रॉपरली कैसे पता है जब मैंने किताब लिखा तभी मुझे मेरे को पता है हाउ खामनी ऑफ यू हैव बॉट द कॉपी ऑफ आयन मैन सिल्कन हार्ट बट मेरे को पता है अस्सी परसेंट लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है मेरे को पता है क्योंकि आप कोई भी बुक ठीक से नहीं पढ़ते हो तब ऐसा वैसा इधर उधर पढ़ते हो यस सर नो यूर विलिंग टू एडमिट इट गुड ओके सी दैट इज डिफरेंस बिटवीन आई विल गारंटी दैट इज अमेजिंग मैन आई कैन नेवर वी लाइक हिम बट दिस पार्ट वी आर सेम वी रीड लाइक क्रेजी एंड वी रीड टू अंडरस्टैंड ओके आई एम अ स्लो रीडर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन आर फास्ट लीडर वो लोग तो एक एक पेज ऐसे ऐसे, ऐसे पैरल ही पढ़ लेते हैं मैं तो एक एक शब्द ऐसे पढ़ता हूँ द वन ऐसे लेकिन एक बार पढ़ता हूँ तो गुस्सा है सर के अंदर आई नॉट जस्ट आई डोंट जस्ट लर्न इट बट आई अप्लाई इट आई इंटरनलाइज आपको वो करना पड़ेगा ये प्रोसेस का एडवांटेजेस बहुत है बट बट यू हैव टू रियली गेट योर एक्ट टूगेदर यूल यू कैन नॉट फेक इट यू कैनॉट किस इन दिस प्रोसेस यू कैनॉट गिव समी ये बुक दैट यू आर नॉट रेड यू कैन नॉट लर्न एम विच यू डोंट नो वॉट इज इन इट नहीं जमेगा इसमें जॉन क्रो ने बहुत साल पहले बोला था टेर यू ओपन एंड शो यू रियली आर प्रोसेस विल टेर यू ओपन फॉर श्योर आप असल में कौन है आपको देखना पड़ेगा you, okay. so, पहला स्टेप यह है कि हम स्क्रिप्ट नहीं होता है हम हमारा स्टोरी डेवलप करते हैं सो इट इट इज नॉट पार्स ऑफ पार्ट ऑफ द सेवन स्टेप्स बट दिस बिफोर द सेवन स्टेप दिस इज वेन यूर मेकिंग कॉन्टेक्ट ड्रॉप इसको बोलते हैं शेयरिंग योर स्टोरी ड्रॉप द मैसेज डी टी एम स्टोरी क्या है आपका आपका स्टोरी अलग है इसमें स्टोरी क्या है मेरी स्टोरी मेरी स्टोरी क्या है ओके मेरी स्टोरी यही है कि मैंने मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं तो मैंने इंजीनियरिंग आर सी में किया उसके बाद मास्टर्स इन यू एस कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट डक्सन यूनिवर्सिटी देन आई वर्क फॉर आई आई टी कंपनी कॉल कैप जमनी अमेरिका एज अ कंप्यूटर कंसल्टेंट आई कॉर्ट माई ग्रीन कार्ड एंड शर मे ओन आई टी बिजनेस राइट सो आई वॉज एम्प्लॉयड आई वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड आई है ट्वेल्व पीपल प्लेस थ्रू आई आई बिजनेस एंड आई वॉज मेकिंग गुड मनी मेरे पास पैसे थे लेकिन क्या नहीं था टाइम नहीं था और सन्डे इवनिंग को हमेशा एक समक में एक नॉट था कि कल क्या होने वाला है यू नो बिकॉज पहले में मेरा जब एक जॉब था एक हेड एक था अभी तेरह एडेक बारह उनका जिसको मैंने प्लेस किया था और मेरा टोटल थर्टीन एडिक्स तो मेरे को चाहिए था फ्रीडम बट मैं बोलता हूँ क्योंकि फॉर्चुनेटली आई मेट विद ग्रुप ऑफ हंडर ग्रुप ऑफ बिजनेस मैन जो वेरी क्वालिफाइड थे वन वॉज पी एच डी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री वाइफ वॉज अ डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एन हॉस्पिटल देर वॉज अ सिविल इंजीनियर देयर हु ऑलरेडी ओन टू बिल्डिंग्स इन न्यू जर्सी देन दे वॉज अ थर्ड पर्सन हु अ केमिस्ट and these people were mentoring others on how to think differently about money so i got excited about the mentorship and i, I started to learn from them and within four years i was making more money from an asset-based income business asset-based income i started to make more asset-based income i do i try to avoid the word business by the way because business right i don't want to get into that there asset-based income okay

एंड देन इफ दफ दे बाइट क्रांति बोलते हैं हम हंटिंग बिजनेस में नहीं हम फिशिंग बिजनेस में है हंटिंग में आप हंट करते हो फिशिंग में यू लटका फाई द बेट एंड कम एंड कैच इट। ओके देखते हैं कि वो बेट लेता है कि नहीं ओके okay? ढूंढ। अगर बोलता है वो कि आई एम लुकिंग नो वी आर टेकिंग न्यू पीपल आर नॉट बट आई एम गोन्ट विद माई टीम सून माई मेंटर सून एंड अगर वो लोग ने हाँ कहा तो अगर मैंने आपको दो तीन दिन में फोन किया तो देट मीन्स इट्स गुड न्यूज़ That's it. अगर उसने पूछा नहीं कि यह क्या है तो आप पीवेट कर सकते हो यू कैन टॉक अब आप क्या कुछ स्पोर्ट्स देखते हो क्रिकेट देखते हो नो एंड देन से बाई द वे यू नो आई डोंट नोर इफ यूर लुकिंग और नॉट और यू कैन कॉल दम टू डेज लेट है दो दिन के बाद कॉल करके बोल सकते हो कि याद है आपको मैंने एसेट बेस इनकम का बोला था एक्चुअली uh, कल मैं बोर्ड मीटिंग में था हमारे बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग ना बोर्ड जो बोर्ड होता है <laughs> you know, और 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 उधर उधर पता चला कि हम एक्सपेंड करने वाले हैं एक दो लोग नए लोग लाने वाले हैं और हाँ मैंने सोचा आपसे रिसेंटली बात किया तो आपके आपका नाम मुझे स्ट्राइक हुआ आर यू लुकिंग वो हाँ बोलता है तो देन विस यू के आई विलटअप मीटिंग विद यू सो ये है मीट एंड ग्रीड वन so you meet them for meet and greet one you are dressed appropriately dressed nicely no suit and all but nicely a jacket aise is good dressing up like this is good for men women also dress sharply and you meet uh, see mai is aap apne appliance se check mat karo bolne wala check karo bolne wala tha lekin nahi mat karo mera hi baat suno okay <laughs> अगर वो तीन घंटा दूर है तो मैं नहीं जाऊंगा इतना देर उसको meet and greet करने के लिए मैं या video में करूंगा या उनको हाफ वे बुलाऊंगा कहीं आई वॉन्ट टू सी इंटेंट फ्रॉम देर साइड ऑलो समझे इसीलिए नहीं कि मैं आलसी हूं लेकिन थोड़ा पॉस्चर आई डोंट टू रन तीन चार घंटा चेंबूुर से बोरी बोली एक मीट एंड ग्रीड करने के लिए मैं उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ ओके तो मीट एंड ग्रीड रन में यह है कि हम उनको कई सिंपल सवाल पूछते हैं पहला, पहला तो बैठते ही मैं अपनी कहानी और डिटेल में बताऊंगा मैं मिडिल क्लास था मतलब डैड के बारे में इमाम के बारे में जॉब रिलेटेड फिर उनको डिटेल में उनकी Uh, उनकी बात सुनूंगा उनकी कहानी क्या है जितना हो सके एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट उनके बच्चे कितने हैं बिकॉज मेरे को फ्लैग देखना है कोई रेड फ्लैग येलो फ्लैग अगर रेड लाइट येलो लाइट कुछ दिखा रहा है दिख रहा है मेरे को आई वॉन्ट कैच इट डे नो सो सवाल का सैंपल सैंपल सवाल पहले मैं पूछूंगा उनसे कि आप मेरे साथ बैठने के लिए राजी क्यों हो गए ओके okay? हर बार पूछूंगा ऐसा नहीं है लेकिन दिस इज जस्ट आइडिया ऑफ क्वेश्चन तो बोलेगा कि हम भी देख रहे हैं कुछ करने के लिए वगैरह वगैरह वॉट राइट फिर मैं ये सीक्वेंस में शायद नहीं बोलूंगा बट लेकिन ये सब डिफरेंट सवाल सोचूंगा जैसे आपका आपका लेवल टेन क्या है इफ़ टेन इज योर आइडियल लाइफ वो लाइफ कैसे होगा अभी ज्यादातर लोग अटक जाएंगे बोल उनको पता नहीं क्या बोला है तो मैं मेरा एग्जाम्पल जब भी अटकते हैं मेरा एग्जाम्पल दूंगा मैं तो मेरा एग्जाम्पल यह है जब मेरे कोच ने उस वक्त जब मैं कैंडिडेट था आपकी तरह मेरे को पूछा था कि आपका लेवल टेन क्या है तब मैंने बोला था डेट फ्री लाइफ नो कर्जा राइट नो स्ट्रेस फ्रीडम ऑफ टाइम राइटिंग चेक्स फॉर एवरीथिंग नो लोन्स राइटिंग चेक फॉर कार राइटिंग चेक फॉर हाउस टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स ओके ये सब मेरा लेवल टेन था ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड आपका लेवल टेन क्या है एंड एंड पे फॉर चिल्ड्रेंस एजुकेशन ज्यादातर लोग का लेवल टेन सेम होगा बोलेगा आपकी तरह है, मेरा लेवल टेन भी ऐसा ही है तो मैं पूछूंगा अभी आप कौन से लेवल में हो अगर उसने नौ बोला तो मैं उठ के जाने के लिए तैयार हो गया ऑलरेडी इफ इज ऑलरेडी नाइन आउट ऑफ टेन आई एम लूजिंग इंटरेस्ट समझे आप यही है फर्क इसमें प्रोसेस में क्या है कि आप उठ के जाने के लिए कभी भी तैयार हैं आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। बेस्ट नेगोशिएटर्स नेगोशिएटर पीपल हू रेडी टू वॉक अवे एनी टाइम हम उसको सीरियसली जेन्युनली दिल से उसकी जांच कर रहे हैं कि आर दे गुड फिट फॉर आर बिजनेस ये याद रखना है आपको अगर ये याद नहीं है तो बार बार वही सवाल पूछेगा अपलाइन को इसने ऐसा बोला मैं क्या बोलूं उसने कैसे क्या दो एक मीटिंग क्या दूसरा में नहीं आया बिकॉज यू आर स्टिल इन दैट सेलिंग मोड इसमें यू आर नॉट सेलिंग जैसे वो इंटरव्यू के लिए आया है और आप उसको हायर कर रहे हैं समझे ना सो so उसको बट ज्यादातर लोग तो नाइन नहीं बोलेंगे <laughs> मेरे को एक आदमी ने एट बोला ने बोला मैंने आर यू सिटिंग विद मी देन आई दे मेरा नंबर था तीन पैसे तो मैं बना रहा था लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास वो अच्छा अच्छा आप टाइम के बारे में बोल रहे हो हाँ तो मेरा दो है बोला उसने तो यू यू नो पीपल पीपल आर ऑनेस्ट सो गेट द नंबर मोस्ट विल से थ्री टू फाइव कुछ नंबर बताएंगे आपको ठीक है तो मैं नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कोई दस लेवल टेन पे ऑलरेडी है और आपको कोच करने और गाइड करने के लिए तैयार हैं तो या क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं रीजनेबल क्वेश्चन है ना बॉस अगर नहीं है तो उसके साथ क्यों हम पंगा लेंगे वो है ना ये बिजनेस इज अबाउट लर्निंग राइट हेलो तो पूछने कितने क्या बोलता है सी इट इज नॉट अ ऐसा नहीं कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ या उस पर यू नो बॉस ऐसे बॉस की तरह बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है प्यार से ही बात कर रहा हूं रीजनेबल क्वेश्चन ज्यादातर लोग उसके भी हाँ बोलेंगे राइट लेवल टेन फैंटास्टिक फिर मैं पूछूंगा आपके लाइफ में कौन आपके आपके लाइफ में आ, कौन आपको इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकर्स कौन है आपके लाइफ में अगर वो आदमी शादीशुदा है और बीवी को नहीं लाया मेरे मैंने उसको फोन में बोलता हूँ मैं अगर इफ़ यू मैरिड आई एम गोइंग टू ब्रिंग माय वाइफ यू शुड ब्रिंग योर वाइफ अगर बाई चांस नहीं लाया और वो बोलता है कि मैं मैं तो सारे घर में मैं डिसीजन लेता हूँ ये मेरे लिए रेड फ्लैग है कौन बेवकूफ हस्बैंड समझेगा कि वो ही सब डिसीजन लेता है तो एक तो तय हो गया ये बेवकूफ है ये बेवकूफ है या सच बोल रहा है दोनों में मेरे को प्रॉब्लम है इफ योर वाइफ इज नॉट एन इन्फ्लुएंस मेकर इन योर लाइफ आई हैव अ प्रॉब्लम विथ यू बॉस आई हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट मेकिंग यू पार्टनर ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा लेकिन यह फ्लैग है मैंने चेक मार्क एक क्वेश्चन मार्क डाल दी ऑलरेडी मेरे ब्रेन में मैं कभी भी अगर ये क्वेश्चन मार्क बड़ा हो गया तो मैं उसको हैंड शेक करके निकलने के लिए तैयार हूं मैं वो, मैं पूछता हूं आपके लाइफ में मेंटरशिप का कोई एग्जांपल है किसी की बात सुनते हो आप आप अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो किससे बात करते हो वो बोलता है मैं डैडी से बात करता हूँ अंकल से मैं बोलता हूँ मैं अपनी तरह मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ उनकी बात मत सु मैं बोलता हूँ मेरे डैडी भी मेरे डैडी ने मेरे अंकल से लग से, लेकिन सब किसी ने एसेट बेस्ड इनकम नहीं बनाया राइट मेरी बेटियों को मैं वैल्यू सिस्टम सिखाता हूँ लाइफ फाइनेंस सिखाता हूँ मैं उनको लेकिन अगर मेरे भतीजे और किसी को सिक्स पैक चाहिए तो मैं उनका मेंटर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा फैमिली पैक है राइट इसको निकाल देंगे कल एक न्यूट्रिशनिस्ट ने मेरे को बताया इसी रूम में है वो अभी कि इसको कम करना है तो क्या एक साल में देख लो आप हो जाएगा खत्म ओके स्पोकन वर्ड ओके एनी वे तुम्हें क्या बोल रहा था <laughs> आप मेरे थेरेपिस्ट नहीं हो आई डोंट वांट टू टू टॉक अबाउट माय प्रॉब्लम्स मेंटरशिप थोड़ा उसके बारे में बात करूंगा के मैं मैं बोलता हूँ बॉस लिसन आई एम बाय रीजन आई एम सेइंग दिस के हर एक एरिया में कोई मेंटर होना चाहिए बट एक आदमी सबका सब एरिया का मेंटरशिप नहीं कर सकता है। क्या आप किसी को जानते हो जो एसेट बेस्ड इनकम बनाता है इससे पहले बाय द वे आई डू आस्क हिम मैं भूल गया बोलने को लेकिन डू यू नो वॉट एसेट बेस्ड इनकम इज एसेट बेस्ड इनकम मतलब कोई एसेट बनाती हो उससे इनकम आता रहता है राइट मैं तो उसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है मैंने कॉन्टैक्ट में ही बात कर लिया था राइट ओके okay? तो उसको फिर से पूछा डू यू नो एनी बड़ी नाइनटी नाइन परसेंट पीपल को पता नहीं है कोई अगर वो बोलता है कि मैं जानता हूं तो वो, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है एसेट बेस्ड इनकम बनाना अगर वो हाँ बोलता है तो मैं मेरे साथ क्यों बैठा सेम थिंग राइट मैं उसको कन्विंस करने में ये भी नहीं हूं मेंटरशिप का और एक बात बोलता हूं कि मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका डिसीजन कौन इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि मैं आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूं ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है आपको पेशेंस की जरूरत है मैं भी पेशेंट रहूंगा आपको भी पेशेंट रहना है ये वन टू थ्री नहीं है माइक्रोवेव आजकल की माइक्रोवेव दुनिया में सबको अभी अभी सब जवाब दही आज और दो तीन मीटिंग में आपको डिटेल मिलने वाली नहीं है हमारा प्रोसेस ही ऐसा है आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम माई सेल्फ टाइम इज वैल्यूएबल है ना मैं बोलता हूं ऐसे बात में अगर आपका टाइम कीमती है मेरा टाइम भी कीमती है और ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं आप स्टेप नंबर फोर में सडनली ये नहीं बोल सकते हो मेरे चाची ने मेरे को ये बोला मेरे चाचा ने ये बोला मेरे बॉस ने बोला ये बिजनेस मत करो फिर मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो गया यस और नो तो मेरे को इंटरप्शन नहीं चाहिए आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट दैट ये सब हम पहले से रोड को क्लियर कर रहे हैं समझे ना लास्ट क्वेश्चन

लेकिन जो अपने आप को बुलाते हैं ब्रिटवल और कुछ करते हैं ऐसे भी लोग हैं ओके okay? लोग जो सॉलिड हम बिल्ड करते हैं राइट right? हम सिखाते हैं सो so, मैं उनको हमेशा बोलता हूं जब वो बोलते हैं कि हाँ हाँ वो अम्बर अच्छा बस तुमको जितना जानते हो ना वो थोड़ा स्ट्रेंज और थोड़ा डेंजरस हो सकता है आई मीन यू आर नॉट यू डोंट हैव अ गुड आइडिया ठीक है तो अभी से लेके अगले छह मीटिंग तक जब मिलेंगे नेक्स्ट थ्री आपको नेक्स्ट टू थ्री वीक्स के लिए जितना भी आप मेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो सब भूलना पड़ेगा बाद में अगर फिर वापस ये सवाल आ गए तो फिर मेरे को पूछना बाद में लेकिन अभी के लिए सब कुछ वाइपआउट करना पड़ेगा करने को तैयार हो आप और नहीं बोलता तो मैं क्या करूंगा सी यू लेटर देखो बॉस यू कांट हैव इट आपको लो अभी ये, ये मीट एंड ग्रीट का नहीं है मेरा थोड़ा एटीट्यूड का एक थोड़ा सा लेसन है आपको बिजनेस चाहिए जो होम बेस्ड है, है? आपको बिजनेस चाहिए जिसका लो इन्वेस्टमेंट है लो ऑपरेशन कॉस्ट है नो no एम्प्लॉय है नो इन्वेंट्री नो वेयर हाउस नो ऑफिस पार्ट टाइम होना चाहिए घर जॉब नहीं छोड़ना है ओके okay, ट्रैवल चाहिए अराउंड द वर्ल्ड मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड यू वांट ग्लोबल बिजनेस ये सब चाहिए होम बेस्ड ई कॉमर्स कंट्रोल योर टाइम एंड ये सब डिस्क्रिप्शन ये तो ऐसा ही हो गया ना एक बड़ा एनिमल चाहिए जिसका सूट है जिसका दुम है बड़ा होना चाहिए काला होना चाहिए उसका आइवरी टस्क होना चाहिए बड़े बड़े उसके बड़े बड़े कान होने चाहिए लेकिन हाथी नहीं होना चाहिए <laughs> क्या करेगा है और दूसरा हाथी के सेम को यह भी याद आ गया मैं वो एग्जाम्पल भी देता हूं उनको अगर वो बोलने लगे ना थोड़ा ज्यादा सी द लास्ट थिंग लिसन टू मी यू नेवर गेट डिफेंसिव मैंने कभी किया नहीं लेकिन आपको बोलता हूँ अभी से मत करना कि वो बोलता है पिरामिड है नहीं 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 ये पिरामिड नहीं है मैं आपको दिखा नहीं कुछ नहीं यू फॉरगेट एवरीथिंग यू नो अगर ज्यादा टुक टुक किया ना हमें के बारे में थोड़ा नेगेटिव बताया मेरे अंकल अंकल ने प्रोडक्ट लिया ये वो मेरा अंकल का एक्सपीरियंस नागेटिव लोगों ने आके प्रोडक्ट अभी भी उनके घर में प्रोडक्ट है क्यों गारंटी नहीं गारंटी का सो, नहीं सुना क्या उन लोग anyway, मैं यही बोलता हूं कि आपने हाथी और अंधो अंधे लोगों के बारे में सुना है वो स्टोरी एक अंधा आदमी हाथी का पैर पकड़ता है बोलता है पिलर है एक टेल पकड़ता है बोलता है रस्सी है नो no, वो ट्रंक पकड़ता है बोलता है सांप है कान पकड़ता है बोलता है फैन है मैं उनको बोलता हूं बॉस मेरे को पता नहीं तुम्हारे अंकल ने हाथी का किस हत्या को हाथ लगाया अगर आप भूल सकते हैं तो वी विल प्रोसीड इट्स वेरी सिंपल वी आर इन कंट्रोल गुड अगर ये सब राजी हो गया तो मैं उसको किताब देता हूं बिजनेस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी 114 पेजेस मैं बोलता हूँ दिस बुक चेंज माई लाइफ आई नीड टू रीड इट फॉर यू एज टू प्रोसीड वेन वॉज द लास्ट टाइम यू अ बुक अब स्कूल में <laughs> वो बोला लुक लेट मेंस गो वाई बी स्टार्टेड टॉकिंग वी टॉक एसेट बेस्ड इनकम दैट कैन चेंज योर लाइफ इट चेंज मई लाइफ फॉर दैट विल यू रीड दिस बुक वो बोलता है मैं एक वीक जो फ्लेक्सीबल हो थोड़ा ठीक है लेकिन बुक पढ़ना है उनको ना वो बुक पढ़े या ना पढ़े अगर आपने ये बुक ठीक से दस बार नहीं पढ़ा है तो आपको ही पता नहीं चलेगा कि इतने स्टेप्स क्यों चाहिए फिर आप भी फालतू का सवाल पूछोगे अपने अपलाइन को टाइम बर्बाद करोगे सबका ये प्रोसेस का दूसरा नाम है प्रोटेक्ट योर समोसस हम ये फिल्टरिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग आएंगे सच बोल रहा हूं प्रोडक्टिविटी कितना होता है पता है एट्टी परसेंट रिटेंशन एट्टी परसेंट रिटेंशन एटी फाइव परसेंट रिटेंशन एवरीबडी इज डूइंग हंड्रेड पीवी और मोर एवरी मंथ फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ अच्छा लगता है आपको मतलब हम आ, लोगों को आने ही नहीं देंगे जो अपना टर्म सही समझेंगे क्या है बिजनेस बिल्ड करने के लिए आएंगे भी नहीं वो मतलब क्या है कि पहले क्या है आधार कार्ड वाला पैन कार्ड वाला आया आपका घर आया आपका समोसा खाया आपका चाय पिया सब कुछ किया घर में दस बीस बार आता है पी कितना करता है दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्ट योर समोसा हो गया नाउ आपको उनको बुक तीन आई एम जस्ट सी इफ यू आर मैथ सबसे बिगेस्ट टिप आई कैन गिव यू बॉस दैट रीड बुक्स, रीड पैरबल ऑफ द पाइपलाइन हाउस होल्ड गोल्ड हेट अवेलेबल ऑलरेडी, ओके एंड सी ये किताबें एंड गो गिवर गो गिवर सेल मोर एक किताब है ये किताबें आप अंदर से सुनो ये मेंटरशिप काम करने के लिए ना आपसे एक अंजर से एक रेडियंस चाहिए वो सिस्टम से आएगा जब लोग आते हैं ना सिचुएशन है उनका कोई लाइफ में सिचुएशन होता है आपके पास आते हैं राय के लिए दैट इज वेन योर बिजनेस इज मेड और नॉट मेड प्रोडक्ट डेमो इंपॉर्टेंट है सब इंपॉर्टेंट है लेकिन जब आग, आदमी लाइफ सिचुएशन लेके आता है ना आपके पास बिजनेस बिल्ड करते वक्त उसका आपका विजडम जो निकलता ना आपके मुंह से उधर आपका बिजनेस बिल्ड होता है दैट इज वेयर मेंटरशिप कम्स इन वहां जाके आ, और वो 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 सिर्फ स्ट्रीमिंग से नहीं स्ट्रीमिंग सुनना यू हैव टू नो द बिजनेस रियली वेल बट यू हैव टू रियली रियली रीड रियली रीड एंड बिकम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज कोई अगर आपके पास सिचुएशन करके आते बोले मैंने इतने प्लान दिखाया लेकिन ये ऑलमोस्ट साइन अप ये हुआ किसी ने मेरे को ऐसा बोला तभी प्रोडक्ट काम नहीं आएगा तभी उसको इंस्पिरेशन चाहिए उसको होप चाहिए उसको एग्जाम्पल चाहिए आपने बुक्स में जो पढ़ा है उसका उसका सी जिंदगी बदलनी है मेंटरशिप इज ए हैवी वर्ड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वर्ड लूजली नहीं यूज करना किसी को भी रैंडमली अपने अपलाइन को मेंटर नहीं बोलना बॉस अपलाइन बोलो स्पॉन्सर बोलो लेकिन ऐसा ही मेंटर वेंटर नहीं बोलना मेंटर इज ए हैवी वर्ड ओके आई एम टेलिंग यू आई एम रिक्वेस्टिंग यू लाइटली यूज नहीं करना ये वर्ड अगर सचमुच हो मेंटर नहीं कर रहे हैं तो मेंटर नहीं बोलना कोच बोलना अपलाइन बोलना के okay? मेंटर ऐसा मेंटर ऐसा नहीं हो सकता है कोई यू हैव टू रीड यू हैव टू रियली लर्न अबाउट लाइफ यू हैव टू भी कनेक्टेड टू योर अपलाइन जैसे बहुत लोग नहीं है यहाँ पे ओके यू हैव टू बी टोटली टाइट व अपलाइन यू हैव टू बी फॉर गिविंग यू हैव टू भी नॉन जजमेंटल यू हैव टू हैव शॉर्ट मेमोरी फॉर बैड एक्सपीरियंसिस यू कैन क्लिंग ऑन टू एवरी थिंग यू कैन ड्राइव लुकिंग एट द रियर व्यू मेयर इसने उस दिन मेरे को ऐसा बोला दस साल पहले उसने मेरे को ऐसा बोला सो यू हैव टू रियली अंदर से चेंज करना होगा सो मीट एंड्री टू हो गया मीट एंग्रीफ टू में हम क्या करते हैं वी गो थ्रू ऑल द बुक उसमें बुक में क्या व्हाट आर द दिलियंट फीचर्स ऑफ द बुक हा फोर क्वाड्रेंट फिर एट एसेट्स राइट फोर क्वाड्रेंट आई गो थ्रू सम ऑफ दैट विद देम एंड इफ यू रियली रेड द बुक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विल कम आउट एट डिफरेंट डिफरेंट मीट एंड एंड्रीट टू ऐसा ये नहीं है स्ट्रक्चर नहीं है और उसके बाद थोड़ी बात बातचीत करके हम यही देख रहे हैं बॉस उसने अगर कोशिश किया अगर आठ चैप्टर पढ़ा समटाइम्स इज अ गुड पर्सन बट पढ़ने को चांस नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा मीटिंग रीड करके उसको वापस भेजूंगा पढ़ने के लिए मगर उसका एटीट्यूड है कि मैं पढ़ा नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं ऐसा कोई एटीट्यूड है ये बुक की बात नहीं है एटीट्यूड की बात है कि मैं तो मैं बोलूंगा बॉस नॉट फॉर यू नॉट फॉर यू और को वो तो किसी और के साथ साइनअप हो गया कल मेरे को किसी ने हैदराबाद में बताया उसने प्रोसेस किया लेकिन किसी और ने बोला ये आपको क्यों इतना सब क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए साइन अप कर दिया साइनअप कर दिया उसको लेकिन वो आदमी मरेगा उसका बैदा 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 उसका हेलो एस में दिखाई देगा अंडा बैदा अंडा बैदा अंडा अंडा बैदा 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 मरने दो अगर कोई दूसरा मल्टी लेवल आता है आने दो मेरे को लोग बोले मेरे को किसी ने बोला कुमार ये इंडिया आपका सेकेंडरी बिजनेस है इसलिए आप दूसरे मल्टी लेवल के बारे में ज्यादा बढ़ने वरी नहीं करते हो नहीं मैं मेरा फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता हूं इसलिए मेरे को अच्छा लगता है जब कोई फालतू फालतू मल्टी लेवल आके फालतू फालतू लोगों को मेरे टीम से निकाल देता है वन नंबर वन रीजन टू नॉट ज्वाइन अनदर मल्टी लेवल जब वो बोलता है कि इसमें ज्यादा पैसा जल्दी बना सकते हो ये घर प्रॉब्लम मेरे को ना ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं ग्रुप में जिसको धीरे से आराम से पैसा बनाने का है उसी को मेरे टीम में आना है मेरे टीम में जल्दी नहीं पैसा बना सकते हो आप yes. yes. अगर आपको तीन हजार पीबी रिटेल करना है जल्दी पैसा बनाना है आप कर सकते हो लेकिन मैं आपको सिखा नहीं सकता बॉस ओके okay? अगर आपको स्लो विद प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस पैसे बनाना है मेरे टीम में आओ नहीं तो दूसरे मल्टी लेवल में जाओ प्लीज बाय दूसरा मल्टी लेवल यह भी बोलता है कि हमारे मीटिंग में बीवी को लाने की जरूरत नहीं है यह खुशखबरी है क्या बैड न्यूज है क्यों समझो कि रात को आठ से दस बजे तक पचास मर्द लोग बैठे हैं नो लेडीज क्या होने वाला है दस बजे के बाद ज्यादातर क्या होने वाला है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल मालूम है आपको वेन थिंग्स आर लेफ्ट टू इट सेल्फ दे डिट्यूरेट They don't develop डोंट डेवलप डू समेस्टिक मैन आर जेनरली स्लाइटली स्टूप इन हम लोग ज्यादा डीप नहीं होते हैं पता है ना We are not very deep people. अगर आदमी को मर्द को पूछते हो लेडीज आज के वॉडा यू क्या सोच रहे हो अगर आदमी नहीं बोलता है तो एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहा हूं एक्चुअली तो कुछ नहीं सोच रहा मैन कैन डू दैट Women को पता नहीं है कुछ नहीं सोचने का मतलब क्या है मैन के सर के अंदर अलग अलग डिब्बा होता है एक जॉब का डिब्बा एक क्रिकेट का डिब्बा एक टीवी देखने का डिब्बा अगर वो क्रिकेट के डिब्बे में घुस गया ना उसको और कुछ पता नहीं उसको पता नहीं कि बाप है क्या है कुछ नहीं पता उसको कभी शादी हुआ कुछ मालूम नहीं उसको अगर बीवी को उसको कम्युनिकेट करने पहले उस डब्बे से निकलना पड़ेगा उसको और ऐसे डब्बे 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 में अगर जॉब का डब्बे में है तो घर के बारे में कुछ मैं घर में आए तो जॉब सब ऐसा ही है और एक डब्बा जो है जो कुछ नहीं है जब बीवी पूछती है क्या सोच रहे हो बोलते कुछ नहीं बीवी तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है उसको मालूम नहीं इसका मतलब क्या है बीवी के सर के अंदर बॉक्स नहीं है सब कनेक्टेड है सारे वायर कनेक्टेड है एकदम इसलिए बीवियां कुछ भूलती भी नहीं है प्रॉब्लम फॉर हिम वो कुछ नहीं का मतलब क्या आप क्या कुछ नहीं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे बोलती रहती है और वो कोशिश करती है कि इसके कुछ नहीं वाले बॉक्स में वो घुस जाए और वो बोलता है मैं इसको आने देगा तो ये कुछ नहीं बॉक्स नहीं रहेगा फिर अभी वही सवाल आप वाइफ को पूछोगे ना वाइफ को अगर असर क्या सोच रही हो स्पेशली वो थोड़ा गुस्से में है वो पका रही है लेकिन अपना वो क्या बोलते हैं उसको चट्ट को क्या बोलता है इसको यार लेडल लेडल हा नहीं जो डंडा होता है जिसे हम करते हैं ना ये वो ऐसा स्पून बड़ा स्पून होता है ना कुल्लती वो तो किसी का नाम है ना नहीं एनीवे anyway, वो थोड़ा जोरदार कर रही है मतलब कोई टेंशन चल रहा है और जाके तुम पूछोगे क्या हो गया वो बोलती है कुछ नहीं वो कुछ नहीं बहुत अलग है वो कुछ नहीं वो वो कुछ नहीं का मतलब क्या मालूम है तुमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है और ये आदमी देखा है उसको ये पता नहीं कि अभी कुछ किया कि पंद्रह साल पहले के? और यही आदमी आके बोलते आई मेक माई ओन डिसीजन क्या यार बेवकूफ है क्या तुम यहां कोई ऐसा बेवकूफ है बेटा मेरी बीबी कोई है मैं सब डिसीजन लेता हूं अच्छा ठीक है थोड़ा इमोशनल हो गया सो एनी सो मीटिंग ग्रीड टू मीटिंग ग्रीड टू अभी सब भूल गया कौन क्या सिखा रहा था हमने तो मीटिंग ग्रीड टू में वो सब करके बुक के बारे में बात करके और थोड़ा बहुत अगर रेड फ्लैग पहले से है समझे कि मीटिंग ग्रीड वन में वो लेट आया पंद्रह मिनट अब बीच में कहीं मिल रहे हो कैफे कॉफी डे में कहीं सेकेंड मीटिंग ग्रीट में भी लेट आया तो मैं उसको एड्रेस करूंगा आर यू ऑलवेज लेट टू मीटिंग्स

मीटिंग ग्रीट टू में हम हाई लेवल जो क्या बोलते हैं नैपकिन प्लान होता है आप सब जानते हो नैपकिन प्लान क्या है ना याट ने हैंड्स किसको मालूम नहीं है नैपकिन प्लान क्या होता है तो दोनों के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे है है। है? Okay, हैं, हैं जॉब है आप किसी और के लिए काम कर रहे हो किसी और का ड्रीम बिल्ड कर रहे हो उससे आपको पैसा मिलता है लेकिन आपका एसेट बिल्ड नहीं होता है उसी से आप पॉकेट प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो जिससे और किसी का एसेट बिल्ड होता है हम आपको बोलते हैं जॉब रखो लेकिन साइड में हम आ, आपका बिजनेस ही शुरू करो एंड यू बाय फ्रॉम योर ओन स्टोर सो यू बिल्ड एसेट्स दैट इज आवर हाई लेवल व्यू मैं कभी कभी उनको ऊबर का एग्जाम्पल देता हूं कि ऊबर टैक्सी चलाना तो नई बात नहीं है राइट टैक्सी तो घोड़े गाड़ी के जमाने से है लेकिन ऊबर ने क्या किया बोला कि वाई शुड कंज्यूमर बी द ओनली वन नॉट मेकिंग प्रॉफिट जिसके पास भी गाड़ी है वो क्यों सब टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता राइट हमने समथिंग लाइक दैट वी हैव डन विथ प्रोडक्ट कंजम्पन प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड एसेट बिल्डिंग एसेट बिल्डिंग यूज टू बी ओनली फॉर रिच पीपल जैसे रियल एस्टेट हो जैसे स्टॉक uh, मार्केट हो जिनके पास पैसे हैं ये हमने सबको अवेलेबल किया है लेकिन इसका बिजनेस मॉडल देखने के लिए आपको मीटिंग में लाइट कॉल्ड बोर्ड प्लान वन कितना स्टेप हो गया मीट एंड ग्रीन वन अगर मीट एंड ग्रीन मीट एंड ग्रीन वन का मकसद क्या है कोई बताओ मेरे को मीट एंड ग्रीड वन का मकसद क्या है सी का मकसद ये नहीं कि बुक दो मीट एंड ग्रीड का मकसद यह है कि ये सवाल का जवाब कैसे देते हैं अगर अच्छा लगा सवाल रिस्पेक्टफुल तो है डिसेंट हम डीप डीप आंसर नहीं ढूंढ रहे हम लोग डिसेंट आंसर दे रहा है बिहेव कर रहा है रिस्पेक्ट कर रहा है तो देन वी गिव दम द बुक यू कितना हो रिस्पेक्ट कर रहा है दैट्स इट वी आर लुकिंग फॉर हैश पीपल हंग्री अप्रिशिएटिव स्मार्ट एंड हम्बल वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं राइट हंग्री एप्रिशिएटिव स्मार्ट एंड हम्बल आप लोग सब ऐसे हैं इसलिए आपके कमरे में हो अगर नहीं हो तो बोल दो प्लीज। ओके? इसके इसके बाद इसके बाद उसको प्लान में लाते हैं ओके? Okay? ओके okay, जो भी आपका ड्रेस कोड है वीकेंड में लोग आई द वीकेंड बट इवनिंग में जो भी आपका ओपन का ड्रेस कोड है right? यही है ना आप लोग ओपन में तो प्रॉस्पेक्ट को भी बोलते हैं आपको वैसे आना है ओके एंड भी बोर्ड बोर्ड प्लान प्लान के बाद यूजुअल एकदम क्रिस्प होगा अभी से हम लोग एक यूनिफॉर्म स्लाइड शो हैं सारे इंडिया के लिए स्लाइड शो यूज करके ओपन दिखाएंगे ताकि सब लोग फिफ्टी फाइव मिनट्स के अंदर ओपन खत्म करें और ओपन के बाद भी और थोड़ा हर चीज में थोड़ा प्रोफेशनल रखना है अठारह साल पहले हमने बोला ah, ah. अभी थोड़ा बंद करो यार सब, थोड़ा उटिंग हैव एक्साइटमेंट पर थोड़ा यू नो थोड़ा क्लास थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है और पचपन मिनट में होना चाहिए बॉस मीटिंग पचपन मिनट में नहीं हुआ तो हम लोग मुंह पर टेप लगवा देंगे और दूसरे कैमरे में लेके सीबीआई को बुलाएंगे और धुलाई करेंगे उसका ओके तो पचपन मिनट का एंड यू शुड डू अ क्विक प्लान प्रोफेशनल प्लान उसके बाद उसको एंड एंड नो सेलिंग यू नो नो सेलिंग इन द प्लान मतलब यू आर टॉकिंग गुड थिंग्स नाइस थिंग बट आप अपलाइन को पूछो कैसे डाउनलाइन को पूछो ऐसे बीच में बनाओ पैसे ओ, सब नहीं <laughs> होता है क्या ऐसे ये बिजनेस में आप भी यही करो दूसरों को वो भी सिखाओ बस पैसा बन जाएगा चीज रियली really? आपका वो अनुभव है क्या अभी तक कुछ भी मत करो लोगों को लाओ मेंबर बनाओ ओके okay, तो बोट प्लान वन हो गया उसके बाद उसको मटेरियल देते हैं बोट प्लान वन अभी तक सिर्फ बुक दिया है अब इसको सीडी देंगे उसके लिस्ट अभी नए नए सीडी आएंगे आपको मटेरियल देने के लिए और उसके बाद कुछ मटेरियल देते हैं सीडी देते हैं तो फॉलो अप वन में मिलते हैं उससे राइट फॉलो अप वन में व्हाट आर द रीजन फर्स्ट इज टू गो ओवर द सीडीज एंड यू कैन ऑल्सो की बुक हाउस होल्ड गोल्ड दे सकते हो बीपी के बाद या

प्रोडक्ट ले लिया ना नॉट लाइक दैट ओके ऐसे जैसे पहले हमने कभी ऐसा किया नहीं लेकिन सम पीपल ओवर द ड्रीम गो ओवर द मेटीरियल यू लोन डेम ओके गो ओवर द बिजनेस सेल्स मार्केटिंग प्लान वन मोर टाइम सिक्स फोर थ्री गो ओवर इट वन टाइम है पहली बार किसको में आता है राइट right? ओके okay? then देन लेट दम आस्क दियर क्वेश्चन एंड यू आंसर टू द एक्सटेंट पॉसिबल विद रीजन ओपनली ओके एंड देन लास्ट you tell them what the expectations are कि आप डेली क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस में सक्सीड करने के लिए वीकली एक्सपेक्टेशन क्या है मंथली एक्सपेक्टेशन क्या है ईयरली एक्सपेक्टेशन क्या है डेली एक्सपेक्टेशन ये है कि वो रोज एक स्ट्रीमिंग सुनेंगे हमारे स्मार्ट टच ऐप में राइट और बुक में से बाय द वे गिव अ बिग हैंड टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड मैन इसका भी वेबकास्ट हो रहा है ना ब्रिज सरिबल डेली एक्सपेक्टेशन इज दे विल लिसन टू वन स्मार्ट टच दे विल आप उसको लिस्ट दोगे के वो बाद में है बट यहां ये एक्सपेक्टेशन ही बोल रहे हैं डिटेल में नहीं जा रहे हैं ओके रीड 15 20 मिनट्स फ्रॉम बुक एंड सेंड अ मैसेज टू अपलाइन अभी तक तो व्हाट्सएप है अभी बेट वर्ल्ड वाइड कोई कमिंग अप अ प्लेटफॉर्म फॉर राइट राइट ये व्हाट्सऐप में इतना लफड़ा है यार। और पब्लिक डोमेन में है पब्लिक डोमेन जो भी है इट्स अ प्रॉब्लम इट्स अ प्राइवेसी इश्यू इट कैन बी फॉरवर्ड टू एनीबडी एल्स वी नीड अ क्लोज सिस्टम ओके तो अभी के लिए व्हाट्सएप यूज करना जब अपलाइन को वो लोग भेजेंगे ये मैसेज कि मैंने आज बुक से क्या सीखा स्ट्रीमिंग एक्सपेक्टेशन डेली एक्सपेक्टेशन और प्रोडक्ट के बारे में क्या व्हाट प्रोडक्ट्स डिज दे यूज टूडे ओके समथिंग क्विक उसके बाद एक डेली एक्सपेक्टेशन के बाद मंथली एक्सपेक्टेशन क्या है वंस अ मंथ यू विल कम एंड टॉक टू अस काउंसलिंग करोगे गेम प्लानिंग करोगे मंथली एक्सपेक्टेशन ईयरली एक्सपेक्टेशन क्या है आठ बीबीएस है दो बड़ा फंक्शन है इसके लिए सब आपको आना है तो इसमें रिक्वायरमेंट यह हैंडशेक है जो हैंडशेक इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट यू नो चाहे हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट है ठीक है गुड एंड देन वी गो ओवर द प्लान प्लान में क्या है कि जो भी आप अपने सर्कल में करोगे और डुप्लीकेशन के साथ आपको एटलीस्ट फर्स्ट लेवल तक लाना है जो टेन थाउजेंड पी भी है जिससे आपको वन लाख इनकम मिलेगा करेक्ट तो उसमें हमारा मैं ऊपर ऊपर से बोलता हूं कि उधर एक उधर आप दस पी भी करोगे तो हजार लोग चाहिए हज़ार पी वी करोगे तो दस लोग चाहिए बट हमने ऑप्टिमम नंबर देखा है इंडिया में ज्यादातर लोग एवरेज दो सौ इफ यू डू टू हंड्रेड दैट्स योर टारगेट ऐसे ऊपर ऊपर से बताते हैं उनको फिर उनको और सीडी देते हैं और वापस बोर्ड प्लान में लाते हैं क्यों किसी को पहली बार समझ में नहीं आता है दूसरी बार आते हैं तो लोगों से मिलते हैं थोड़ा रिलैक्स रहते हैं सबको जानते हैं थोड़ा बहुत राइट तो बोर्ड प्लान देख लिया दूसरी बार उसके बाद फिर से दूसरा कोई भी अभी तीन चार बुक मैंने बोला और कोई बुक दे दो और कोई सीडी दे दो ठीक है उनको कॉन्स्टेंटली फीड कर रहे हैं जब मिलते हैं फॉलो थ्रू टू में गो ओवर द मेटीरियल यू लोन फर्स्ट रिमाइंड ऑफ द द ड्रीम एंड देन टेल टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट वॉट डू एक्सपेक्ट हम बोलते हैं कि सब कुछ ऑप्शनल है लेकिन हमने लॉजिक और रीजनिंग से समझाया उनको नॉट बाय फोर्स कि जीरो करना है तो नहीं इस चक्कर शुरू करो क्वेश्चन एफपीओ 1 एफपीओ टू राइट एंड वी वांट देम टू कमिट टू सम पीवी एवरी मंथ बिकॉज़ उसके उसके वगैरह 200 तो साथ इमीडिएटली नहीं करेंगे वो तो बहुत लोगों के लिए रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है कि 20000 रुपए निकालो ओके 100 शायद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स कैन डू टेन थाउजेंड राइट अवे बट कहीं लोग वो नहीं कर पाएंगे सो हम बजट देखते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट दैट वी वी डू यू नो गो थ्रू बजट विद विदम कि आप अपने करंट एक्सपेंस में से कौन सा यहां पे डिवर्ट कर सकते हैं वी वी टू टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी गेट अ बैंक लोन फॉर दिस बिजनेस ओके अब जो अभी मैंने सिंगल बैचलर से बात किया था द, दस मिनट पहले द, दो हफ्ते पहले दस मिनट तो इधर है दो हफ्ते पहले ओके okay, तो तो उधर उधर क्या हो गया था उसने मेरे को बोला मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है तुम तो तो बजटिंग करो ये तो कंपाउंड इफेक्ट बुक से है बजटिंग करो तो बजटिंग किया तो पता चला उसको मेरे को आके मिस्टर कुमार आई एम स्पेंडिंग सिक्सटी डॉलर्स ऑन कॉफी एवरी मंथ स्टार बक्स उसको सो, पब्लिक, अगर लिखते नहीं तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा पैसा किधर जा रहा है बोलते हैं मिस्टर कुमार आई एम ईटिंग आउटसाइड सेवन एट नाइन टाइम्स अ मंथ एंड कॉस् टू हंड्रेड डॉलर राइट देर उसका टू हंड्रेड नाइनटी डॉलर निकला टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्सटी जो भी

तो आप सबको फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ दो सौ पीवी करना है समझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी बिजनेसमैन क्या देखता है नाइन हाफ बिलियन डॉलर का बिजनेस है है ठीक इंडिया में दो हजार करोड़ है प्रोडक्ट है है ठीक अभी ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर, कर सकते हैं हम समझो कि वो प्रोडक्ट थे ही नहीं खाली लाइट बल्ब थे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है बॉस मेरे को फ्री होना है हेलो मेरे को अगर मेरे मेरे अपलाइन ने बोला कि तुम्हारा टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी जिंदगी के फ्रीडम के लिए पीवी पर मंथ रुपए बल्ब का मैं बोलूंगा ये तो ठीक है बॉस मैं तो साइनअप कर रहा हूं बाद में मैं फिगर आउट करूंगा ये बल्ब का क्या करना है लेकिन ये बिजनेस मेरे को चाहिए समझे ना आप ये मूड पे नहीं हो सकता है मेरे घर में तो सिर्फ पंद्रह बल्ब है मैं कैसे बिजनेस ऐसे नहीं बिजनेस कर सकता है समझे ना क्या बोल रहा हूं ना अगर आपका कैफे कॉफी डे का फ्रेंचाइज है आपको कॉफी लेना ही है अगर सप्लायर ने प्राइस टेन परसेंट बढ़ा दिया लेकिन मार्केट का कंडीशन ऐसा है कि आप कस्टमर को वो प्राइस पास नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे दुकान बंद कर दोगे क्या आप कोशिश करोगे कस्टमर बढ़ाना है लेकिन ये नहीं बोल सके आज कॉफी पीने का मूड नहीं है तो मैं कॉफी नहीं लूंगा ऐसा थोड़ी ना होता है बिजनेस ये एसेट है तो वो हम ये सब फॉलोअप में नहीं बोलते हैं लेकिन ये हमको समझना है पहले मैं जब था बिजनेस में है मैं सिंगल था वाइटम में ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी है मेरे को नहीं चाहिए था बिकॉज आई वॉज नॉट लिव फॉर मेकअप मेकअप लेके मैं क्या करेगा बाद में पता चला कि लिपस्टिक लेके मिरर में गोल लिखने को मजा आता है उसमें सर्कल क्लीनिंग प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है मैं भी नहीं कर सकता तो मैंने बोला कांति की टीम के लिए मैं सिंगल आदमी हूं अगर मैं तीन सौ कर दू तो सब चुप हो जाएंगे इसलिए मैंने तीन सौ किया सबको चुप करना है अभी प्रोडक्ट मैंने बेचे

एनी वे फॉलो थ्रू टू में हम यही बोलते हैं कि कुछ चाहिए आपका कुछ नंबर महीने में कुछ तो करना है आपको नहीं तो बिजनेस बिल्ड करके फायदा नहीं है ज्यादातर लोग सौ के लिए एग्री करेंगे सम पीपल पचास से स्टार्ट करके बट मेंटल एग्रीमेंट ये है कि तीन महीने में दो सौ तक जाना है इन द फर्स्ट सेवनटीथ ऑफ द मंथ ये थियरी नहीं है बॉस हमारे बिजनेस में जब कांति के ग्रुप में हमने मार्च फर्स्ट को ये इंप्लीमेंट किया डिटो डिलीवरी वहां पर है ऑटोमेटिक डिटो डिलीवरी ऑन फर्स्ट ऑफ द मार्च क्रैश द कंप्यूटर सिस्टम इट क्रैश एवरीबडी गॉड एंडो पहले दो दिन में हमारा डबल पहले दिन में डबल डायमे खत्म डन थिंक अबाउट इट बिकॉज इतने लोग पहले ही हफ्ते में फिट करके ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट अच्छा रहेगा ना कि आपने पचास आईबीओ को लॉन्च किया अपने ग्रुप में सब दो 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 सौ पी वी कर रहे हैं <laughs> और आपका बेडशीट पांच तारीख को आया छह तारीख आपका दस हजार खत्म अच्छा लगेगा आई डोंट सी ए गुड रिएक्शन हैदराबाद में इससे अच्छा रिएक्शन क्या शॉक हो गया क्या आप लोग क्योंकि okay, इसे दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज ओके ये सब अगर एग्री करते हैं बोलते हैं कि ये है टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड सब्सक्रिप्शन का ये कॉस्ट होगा ओके okay? अप अप्रोक्सीमेट फंक्शन का ये कॉस्ट होगा आप अग्रीएबल है कि नहीं और हाँ रेडी है हम तैयार हैं आप आज नहीं साइन साइनअप करो घर में जाके दोनों जो झगड़ा करना है करो सोचना है सोचो ओके और कल आप हमको फ़ोन करना या हम आपको फोन करेंगे कल डिसाइड करेंगे लॉन्च करेंगे देन यू लॉन्च दम तो क्या हो गया आपने एक अच्छा आईबीओ को स्ट्रांगली लॉन्च किया इसका मतलब यह नहीं कि लोग क्विट नहीं करेंगे लेकिन पहले बीस परसेंट रहते थे और अस्सी परसेंट क्विट करते थे अभी अस्सी परसेंट रहेंगे और बीस परसेंट पंद्रह परसेंट ऐसे क्विट तो बाद में करेंगे लेकिन क्विट करते वक्त आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो भी जानेंगे और आपको भी पता होगा कि वो क्विट क्यों कर रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि शायद ये फंक्शन नहीं आता तो क्या होता वो सब गया ओके सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस एंड द एडवांटेज ऑफ़ प्रोसेस इट इज रियली रियली वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इसका मतलब ये नहीं कि आपको यू विल बाईपास द लॉस ऑफ सक्सेस यू स्टिल हैव टू लर्न हाउ टू फेल यू स्टिल हैव टू लर्न बट यू आर इन कंट्रोल बॉस एंड यू स्टार्ट लॉन्चिंग पीपल दर आर ऑनरिंग पार्टनरशिप इसके इस बिजनेस इसके प्रोसेस में ना जब लोग ओपन मीटिंग में आते हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओपन का एनर्जी बढ़ जाएगा कोई फालतू बाहर खड़ा नहीं रहेगा कई कई लोग खड़े रहते हैं पीछे ओपन में जैसे उनको पाइल्स हो गया है. यू नो सबका पाइल्स बंद आज से सब इधर ही बैठेंगे सब अंदर सबका फोन बंद होगा और जब कैंडिडेट आते हैं ना वो ऐसे नहीं बैठेंगे कभी ऐसे बैठ के कभी नहीं देखेंगे सब एज ऑफ द सीट में बैठेंगे ऐसे ऐसे बैठ के नोट्स लिखने के लिए आपको थैंक करेंगे मीटिंग के बाद एंड बाद में पूछेंगे कि क्या मैं मेंटरशिप में के लिए क्वालिफाई किया कि नहीं रिमेंबर ये प्रोसेस में हम हु और वाई को प्रमोट कर रहे हैं ट एंड हाउ हु और वाई पहले से मेंटरशिप टीम को प्रमोट कर रहे हैं नॉट जस्ट हमारे पास बिजनेस है यह प्रोडक्ट है इनो मैडम से आपका बच्चा मेरी बेटी कभी भी बोलते है डेट आई वॉन्ट टू स्पेंड फ्राइडे नाइट एट माई फ्रेंड्स हाउस तो मेरी वाइफ क्या पूछती है फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हो बात yeah. किसके घर जा रहे हो राइट अब यह नहीं पूछो क्या करने वाले हो किसके घर जा रहे हो राइट right? जब वो उसके पेरेंट्स के नाम बताती है दोस्त की इमीडिएटली क्या भेजने वाले हो कि नहीं भेजने वाले हो करेक्ट yes. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे वाई वाई होल नाइट ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हाउ आर यू गोइंग हमारा लाइफ में हु एंड वाई आर मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ एंड व्हाट राइट सो so, ये मेंटरशिप का ये कि हम टीम को प्रमोट मेंटरशिप टीम को एंड दैट विल नॉट वर्क इफ यू डोंट हैव इट इन योर हार्ट बॉस अगर आपके दिल में अप्लाइंग के लिए एक नॉन जजमेंटल फॉरगिविंग एटीट्यूड नहीं है और कनेक्शन नहीं है तो ये नहीं करेगा काम तो आप खुद को शेयर बना रहे हो कुछ नहीं होने वाला उसमें आपने देखा है फॉर मी माई रिलेशनशिप ऑफकोर्स फैमिली है माई मदर इज यस्टर मै ब्रदर इन लॉ माई वी हैड वी जस्ट सेट थर्टी सेवंथ एनिवर्सरी टूडे माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉज आज We celebrated that today. But Kanti Gala is, you know, is very close to us. More than family to us, you know, in many ways, you know, and uh, we are just very, very close. Okay? That relationship is very important for us. He's just like a family. He's just like my dad, you know, because we tell each other everything. We are very close even more than before. See, our relationship is why people come to us. Uh relationship. How is that relationship going? कि इसमें फेक नहीं कर सकते हम अगर किसी को साइन अप करते हो और वो बोलता है कि मेरे को आप मेरे को मैं ऑनर करने के लिए तैयार हूं पार्टनरशिप आप क्या करोगे बदले में तो आप क्या बोलोगे एक आप ये नहीं बोलते मैं मेंटरशिप दूंगा आपको मतलब क्या उसका आपको एक स्टोरी बताना है कि आपको इस सिस्टम से क्या मिला आज तक वो दिल से होना चाहिए नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा क्या है राइट right? ओके okay, इसके बाद जब किसी को लॉन्च करते हैं ना तभी मेंटरशिप शुरू करना है ऐसा नहीं कि लॉन्च करते करते इतना थक गया कि मेंटरशिप क्या है भूल गए मेंटरशिप <laughs> क्या है उनको ट्रेन करना है फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड कोचिंग तो किसी को साइन अप करते हैं लॉन्च कर दिया तो उसको पहले हम कोर रन बोलते हैं फर्स्ट थर्टी डेज जो हमने डेली एक्टिविटीज उनको बताया है ना वो उनको करना है और ऊपर अपलाइन को एक मैसेज भेजना है कि मैंने बुक पंद्रह मिनट पढ़ा ये सीखा सीडी में ये सीखा या स्ट्रीमिंग में एंड प्रोडक्ट में ये सीखा

ना थर्टी डे कोरन में पहले हफ्ते के बाद उनसे जब मिलते हैं ना यू मीट देम नाउ एंड लेट देम प्रैक्टिस देयर स्टोरी क्या स्टोरी बोलने वाले हैं अपने फैमिली को क्या स्टोरी बताएंगे अपने दोस्तों को क्या स्टोरी बताएंगे वो हम उनको ट्रेन करते हैं वो लिखते हैं स्टोरी खुद का स्टोरी हम उनके लिए नहीं लिखते हैं उनको एग्जाम्पल देते हैं और वो अपना स्टोरी खुद लिखते हैं और जब लिखते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ है तो हम उसको करेक्ट करके वापस नहीं देते हैं। हम बोलते आई सजेस्ट दिस इज एन इश्यू यू शुड चेंज इट टू दिस दिस यू शुड चेंज इट लेट हिम चेंज इट एंड उसी को सोचना है इसमें और वो भेजता है फिर से तो ये अभी ये तुम्हारा स्टोरी अच्छा लग रहा है तुम जाके कॉन्वर्सेशन करने लगो और मेरे को कॉन्वर्सेशन मतलब ड्रॉप द मैसेज मत करो खाली बात करो लोगों से अपने भाई और दोस्तों को अभी छोड़ दो थोड़ी दिन के लिए ऐसे भी कर सकते हो आप या यू कैन मेक कॉल देर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू बट मेन थिंग इज योर यम्पावरिंग देम विद ओन स्टोरी के भाई को से बात करते हैं हम लोग बट बिफोर दैट यू स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन विद पीपल अगर कॉन्वर्सेशन का मतलब डीटीएम नहीं है कॉन्वर्सेशन मतलब पहला पार्ट आप अपना स्टोरी बताते, अपना बताते हो अपना स्टोरी बताते शायद वो ड्रॉप द मैसेज तक नहीं पहुंचे लेकिन आपका प्रैक्टिस शुरू हो गया आई हैड टू वन है फिर उसके बाद व्हेन यू फील दे आर रेडी टू ड्रॉप द मैसेज देन यू गो टेल देम आप ड्रॉप मैसेज करो मीट एंड ग्रीट बुक करो मैं आपके लिए मीट एंड ग्रीट करूंगा मतलब हम लोगों को स्पॉन्सर करके आपका लिस्ट तो नहीं बोलते हैं मैं क्यों नहीं बोलता हूं मालूम है मैंने कभी बोला ही नहीं इसलिए मेरे को दूसरे लोगों के लिस्ट पे दिलचस्पी नहीं था मेरे को उस पर रिलेशनशिप आई मोर वरीड अबाउट रिलेशनशिप जब तक मेरा रिलेशनशिप जो स्ट्रांग है मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए क्यों उसका लिस्ट लेके मैं कॉल करूंगा फिर मैं अच्छी तरह से कॉल करूंगा फिर मेरे फोन रखने के बाद वो बंदर इसको कॉल करेगा फिर दोनों नाचेंगे फिर मेरे को भी नचाएंगे मैंने कभी किसी का लिस्ट से कॉल नहीं किया मैं भी एक दो बार और दोनों बार मेरे को अच्छा नहीं लगा ओके okay? तो इसमें तो हम ट्रेन करते हैं लोगों को तुम तुम तु, खुद करो पर एक ट्रेनिंग पीरियड है 30 डे कोर रन 60 डे कोर रन 90 डे कोर रन आप सबको जो बैठे हो ना आप लोग सबको आपके अपलाइन मेंटर के साथ 90 डे कोर रन करना है क्योंकि हम सब प्रोसेस में नए हैं क्योंकि आप आज जो आज सीडी सुन रहे हो जो आज बुक सुन रहे हो पढ़ रहे हो जो प्रोडक्ट आपने यूज किया और आपका कितना कॉन्वर्सेशन हुआ और कितना डीटीएम हुआ उसका एक डेली मैसेज फॉर द नेक्स्ट नाइन्टी डेज कर सकते हो बिकॉज आई एम टेलिंग यू आई हैव गॉट होप नाउ मोर देन एवर बिफोर अभी मैं कांति को बुलाऊंगा यहाँ पे और ऑसम अपने कांति का बिजनेस यूएस में सिर्फ कांति का था नंबर वन एंड टू बिजनेस डू यू नो दैट नया, नया एफ प्रोग्राम से कांति ऑटोमेटिकली क्राउन हो जाएंगे

रति रमेश और रमा की बेटी ओबीस भी दो साल से ट्राई कर रही है अभी मतलब लास्ट दो महीने से प्रोसेस शुरू किया पांच लॉग लॉन्च किया पांच लॉग लॉन्च किया मतलब क्या सेवन 800 फिफ्टी एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड डन डील फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आई एम सीइंग सक्सेस इन द सेकंड जनरेशन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट गाइस ओके एंड वी वी रियली फील दैट वी इट्स एन आंसर टू अ प्रेयर